अंसारी में घटना घटी है, क्या है पूरा मामला, पुलिस क्या कर रही है? आज सवेरे में हम लोग को लगभग 9:30 बजे सूचना मिली कि मनसाही में एक जगह है, उसके बगल में गांव है कचरा, कचरा में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में एक आदमी का डेड बॉडी जो था सर अलग था धर अलग था, क्योंकि डेड बॉडी कब्रिस्तान मिला तो हम काफ़ी सेंसिटिव हो गए। उसके बाद वहाँ थाना अध्यक्ष गए, पुलिस इंस्पेक्टर भी गए, हम भी गए, हम लोगों ने हर बिंदु पर उसको जांच पड़ताल किया, और जांच पड़ताल के क्रम में ऐसा हुआ कि कल वह 4 बजे गया था, उसके घर के बगल में ही एक मिल था जिसमें उसमें आटा धान प्लस आपको तेल वगैरह का भी था, तो वहाँ दिया था पीसने के लिए, लेकिन 4 बजे के बाद उसको कहीं देखा नहीं गया था। तो हम लोग ने हर बिंदु पर तहकीकात किया, पूछताछ किया, पूछताछ से हमको लगा कि इस मिल से ही इसको कटिंग हुआ है, तो उस बिंदु पर हर बिंदु मिला हमको, खून का छीटा भी उसमें मिला भीतर में, और जहाँ मिल था उसके डेड बॉडी भी 40-50 मीटर कब्रिस्तान में था, उसके पीछे में ही कब्रिस्तान है। तो बाद में हमने साइकोलॉजिकल ढंग से उससे पूछताछ किया, जो ट्यूट था उपेंद्र शाह उसे पूछताछ किया, तो उसने टूट गया और उसने बताया जहाँ वह जब पीस रहा था उसी टाइम वो पीछे की ओर गया तो उसी गमछा में उसको लग गया और उसे कट गया, डर के मारे उसका कहना था जो लाश को हम फेंक दिए, पुलिस को या गंदा को हम बताए नहीं, तो यही है जी अभी तक ये है, उसमें ये एक्सीडेंटल लग रहा है, हत्या नहीं लग रहा है। उपेंद्र शाह कौन है सर? उपेंद्र शाह वही ग्रामीण है, वह जो उसका जो घर है तो घर के बगल में ही उसका भी उपेंद्र शाह का भी घर है। मिल मालिक यही क्या? मिल मालिक ही, या मिल स्वयं भी चलाता था, इसमें कोई रहता नहीं। गिरफ्तारी भी नहीं सर? हाँ, इसमें उपेंद्र शाह की गिरफ्तारी की है, वैसे वो जो केस किया है वो मर्डर केस हुआ है, और जिसमें उसकी या उसकी पत्नी को नामजद किया है, तो उपेंद्र शाह की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसको हम लोग गिरफ्तार कल चरण करेंगे। मृतक का नाम हम ही बता देते हैं। मृतक का नाम ज्योतिष ज्योतिष तत्मा ले लो ले लो ले ज्योतिष तत्मा मृतक का नाम ज्योतिष तत्मा।